तो 2024 में अगर आप एक कैमरा स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे आजकल जो फोन्स आ रहे हैं, या तो आपको 3 कैमरा सेटअप मिलेंगे, आपको कई फोन में आजकल 4 कैमरा का भी सेटअप मिलता है। तो कौन से कैमरा यूजफुल है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, सब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगापिक्सल्स की। तो अब ये जो फोन है ये 9-10 हज़ार का आ रहा है, इसमें भी आप देखोगे 50 मेगापिक्सल कैमरा लिखा हुआ है। वही अगर मैं बात करूँ इवन 40 हज़ार के फोन, उसमें भी 50-60 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। आजकल 200 मेगापिक्सल के भी कैमरा आने लग गए हैं 20-30 हज़ार की रेंज में, 1-1.5 लाख में तो आता ही है। अब ये मेगापिक्सल का क्या यूज़ है, पहले समझते हैं मेगापिक्सल ज़्यादा होने से बेनिफिट क्या होते हैं, फिर मैं नुकसान की बात करूँगा। बेनिफिट मेजरली आपको दो मिलते हैं। जब मेगापिक्सल काउंट बढ़ता है तो आपकी रेजोल्यूशन बढ़ती है, जिस वजह से अगर आप फोटो खींचने के बाद उसको क्रॉप भी करते हो तो आपको क्रॉप्ड वर्जन में भी एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप मान लेते हैं कल को फोटो प्रिंट कराना चाहते हो, शायद 1% लोग भी नहीं करते होंगे, तो आप थोड़ा बड़ा प्रिंट करवा सकते हो जब आप 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में फोटो लेते हो। सिर्फ ये दो बेनिफिट्स हैं। एक और टेक्निकल बेनिफिट है जो बहुत लोग नहीं समझते, और वो ये है कि जैसे जैसे ब्रांड्स मेगापिक्सल काउंट बढ़ा रहे हैं ना, उनको सेंसर साइज भी बड़ा करना पड़ता है, बिकॉज छोटे सेंसर्स में ज़्यादा मेगापिक्सल फिट नहीं हो पाते। उसके ड्रॉबैक्स हैं, उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। तो एक बेनिफिट एज अ कंज्यूमर आपको क्या मिलता है, जब आप कोई एक फ़ोन लेते हो जिसमें मेगापिक्सल ज़्यादा हैं, थोड़ा लो लाइट में बेटर रेजोल्यूशन मिल जाता है। बट अब मैं आता हूँ ज़्यादा मेगापिक्सल होने के आपको बेनिफिट्स तो हैं, बट नुकसान क्या हो सकते हैं, और ये स्पेशली जब आप 30-35 हज़ार के नीचे के रेंज में जब आप फ़ोन लेते हो, ये आपको माइनस पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, जब आप 50-64 या 100 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ लेते हो, कई फ़ोन्स प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर पाते, जो आपको एक नॉर्मल मोड में फ़ोटो मिलती है। और जब आप हाई रेज में फ़ोटो लेते हो, हमने कई अपने कैमरा रिव्यूज़ में मैं चीज़ बोली है, प्रोसेसिंग में डायनामिक रेंज नहीं आता, HDR एक्टिवेट नहीं होता, आपको उतना बढ़िया एक्सपोजर, उतना बढ़िया कलर्स नहीं मिलते जो आपको नॉर्मल मोड में मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कई फोन्स में ये ड्रॉबैक हो जाता है, बट कई फोन्स में प्रोसेसिंग अच्छी होती है, तो उसके लिए आप मेरे डेडिकेटेड कैमरा रिव्यूज देख सकते हो। दूसरा माइनस पॉइंट क्या होता है, जब आप हाई मेगापिक्सल में बैक टू बैक फोटोज लेने का ट्राई करते हो, तो जब आप हाई रेज में फोटो ले रहे हो, फोन उसको प्रोसेस करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फोटो एडिट करता है, जिस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप बैक टू बैक फोटोज क्लिक करना चाहोगे, वो शायद 1 सेकंड में 1 या 2 फोटो ले पाएगा, नॉर्मल मोड में शायद आप 5 से 10 फोटो ले सकते हो, तो वो एक और माइनस पॉइंट हो जाता है। तीसरा और एक मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, बजट फोन्स में खासकर सेंसर साइज उतना बड़ा नहीं होता, तो जब आप हाई मेगापिक्सल काउंट में फोटो लेते हो, लो लाइट में नॉइस इजीली देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे पिक्सल हो जाते हैं जब आप हाई मेगापिक्सल काउंट में जाते हो, तो वो भी एक ड्रॉबैक बन जाता है। तो क्या आपको हाई मेगापिक्सल वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज आप स्पेशली जब आप एंड्रॉयड में जाओगे, 50 मेगापिक्सल एक स्टैंडर्ड हो गया, उससे नीचे आपको आजकल किसी फ़ोन में मिलेगा ही नहीं। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा, आप ये सोच के मत फ़ोन लेना कि अगर 200 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल है तो आपकी फ़ोटो बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उससे मेगापिक्सल का कुछ लेना देना है नहीं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नंबर ऑफ कैमरास पे। अब एग्जांपल के लिए अगर आप ये फ़ोन देखोगे, आपको देखने में दूर से ऐसा लगेगा 4 कैमरा है, बट इसमें एक्चुअली 3 फंक्शनल कैमरास हैं। एक ये फ्लैश लाइट दे देते हैं, या फिर कई फोन्स में क्या होगा, एक खाली सा एक सर्कल होगा, आपको लगेगा कैमरा है, या उसमें कुछ सेंसर डाल देंगे दिखाने के लिए कि 4 कैमरास हैं। अब ये लोग समझ के फ़ोन ले लेते हैं कि भाई 4 कैमरा हैं, 3 कैमरा हैं तो बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। तो मेरा मानना यह है, 3 एवरेज कैमरा से अच्छा अगर आपका एक प्राइमरी कैमरा आप अच्छा स्ट्रॉन्ग ले लेते हो, तो आपको बढ़िया फोटोज मिलेंगी। इसी से हम मैक्रो कैमरा पे आते हैं। अब आप जितने भी फ़ोन देखोगे, 10, 20, 30, 40 मैक्रो कैमरा आजकल हर फोन में आ रहा है, किसी में 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल तो 2-3 साल पहले आने शुरू हुए थे, फिर कंपनीज ने बंद कर दिया पता नहीं क्यों। तो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो किसी काम का नहीं है। अगर आप वो सोच के कैमरा एक फ़ोन ले रहे हो कि इसमें मैक्रो कैमरा है और वो 2 मेगापिक्सल का है, मैं बिना रिजल्ट देखे बोल सकता हूँ किसी काम का नहीं है। उससे अच्छा एक प्राइमरी कैमरा से फ़ोटो लेके उसको क्रॉप कर लेना, उससे बेटर डिटेल रेजोल्यूशन मिलेगी। तो मैक्रो कैमरा तो आप भूल जाओ, है नहीं है, उसका मतलब नहीं है। उसके बाद आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में आपको 2-3 चीज़ें मेजरली देखनी होती हैं। जब भी आप एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो सके तो स्टोर पे जाके देखना, अल्ट्रा वाइड में जब आप फोटो ले रहे हो, फोटो लेने के बाद एजेस में एक बार देखना कि फ़ोटो ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं हो रही। उसके बाद आप डिस्टॉर्शन देख सकते हो कि एजेस में जो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर या बाहर को बेंड तो नहीं हो रही। एंड स्पेशली जब आप अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो लेते हो तो सेंटर की तरफ आप थोड़ी शार्पनेस देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अल्ट्रा वाइड में ध्यान देनी है। अदरवाइज नंबर ऑफ कैमरास में
मुझे सिर्फ एक चीज़ है जो कहीं कहीं फ़ोन्स कर रहे हैं, स्पेशली है रियलमी का ये जो फ़ोन है रियलमी 12 प्रो प्लस, इसमें इन्होंने 3x ऑप्टिकल जूम दिया है जो आई थिंक इस रेंज में नॉर्मली फ़ोन नहीं देते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक मैक्रो कैमरा या डेप्थ सेंसिंग कैमरा देने से अच्छा अगर आप एक टेलीफोटो कैमरा दे दे कोई भी ब्रांड तो वो काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज 3x के जो आउटपुट हैं वो प्रैक्टिकली बहुत सही आते हैं, स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज़ लेते हो। तो अगर आप नंबर ऑफ़ कैमराज की बात करें, एक फीडबैक स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए हो सकता है कि कई फ़ोन्स या कई ब्रांड्स क्या करते हैं कि एक अच्छा टेलीफोटो कैमरा दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रो या डेप्थ सेंसिंग कैमरा देने के अलावा। तो कई फ़ोन्स ऐसे हैं मार्केट में जिसमें अगर आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो बहुत रेयर है, हार्डली 2 या 3 फ़ोन ऐसे होंगे बिलो 50,000 जिसमें आपको टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। S21 FE मैंने ऑलमोस्ट दो साल पहले रिव्यू किया था, उसमें था, अभी भी कई फ़ोन्स में आ रहा है। तो अगर हो सके तो अगर आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है 3x वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए जब भी आप एक फ़ोन लेने का प्लान करते हो, रादर देन इस चीज़ में जाने के कि उसमें 2 कैमरा या 3 कैमरा है, आप उसका जो प्राइमरी कैमरा है उसको आप टेस्ट कर सकते हो। उसके भी 3-4 पैरामीटर्स रहते हैं मेरे यूजुअली जब मैं कैमरा रिव्यूज़ में भी करता हूँ। सबसे पहला डायनामिक रेंज, आप ऐसी फोटो लो जहाँ हाईलाइट भी है शेडो भी है, और आप देखो कि क्या शेडो में भी डिटेल कैप्चर हो रही है, हाईलाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं हो रही। उसके बाद कलर्स कैसे आ रहे हैं, कलर्स नेचुरल हैं या ओवर सैचुरेटेड हैं। उसके बाद लो लाइट में आप फोटो लेके ट्राई कर सकते हो, और अगर आप सेल्फी लेते हो तो सेल्फी भी लेके आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज कई फोन्स में सेल्फी में क्या होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है फेस या बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग हो जाती है। तो इसलिए प्राइमरी कैमरा इज समथिंग जिस पे आपको मेजरली फोकस करना चाहिए, तो चाहे वो 50 मेगापिक्सल का हो या 12 मेगापिक्सल का। अब आजकल बहुत सारे फोन ब्रांड्स क्या करने लग गए हैं, पोर्ट्रेट मोड में आपको सिर्फ 1x का ऑप्शन दे रहे हैं, 2x और 3x का ऑप्शन गायब भी कर दिया, उसका रीजन मुझे नहीं पता। बट जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हो, ये भी ट्राई करना है, आप रिव्यूज में देख सकते हो कैमरा में कि पोर्ट्रेट मोड में क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, बिकॉज 1x में ऑनेस्टली जब आप पोर्ट्रेट लेते हो फेस बहुत डिस्टॉर्टेड अजीब सा पर्सपेक्टिव आता है, देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। आई वुड से 2x भी है तो सही है, बट अगर 3x का ऑप्शन मिलता है तो उसमें आपको एक्चुअली जब आप बढ़िया लाइट में फोटो ले रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया पर्सपेक्टिव निकल के आता है। तो वो चीज़ पोर्ट्रेट मोड में ज़रूर चेक करना, एंड ऑब्वियसली एज डिटेक्शन, बैकग्राउंड ब्लर कैसा आ रहा है, और फोटो लेने के बाद क्या ब्लर इफेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हो नहीं, वो भी चेक करना ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा आपको कई एडिशनल मोड्स भी मिलते हैं आजकल स्मार्टफोन्स में, जैसे स्ट्रीट मोड हो गया, व्लॉग मोड हो गया, या इवन ड्यूल वीडियो मोड है, क्रिएटिव मोड्स हैं कुछ। इसमें से कुछ प्रैक्टिकल हैं, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रीट मोड की बात करूं, उसमें कुछ नहीं है बेसिकली, 1x 2x 3x 6x ये सब जो हैं इनको MM में नाम दे देते हैं, तो वो देखने में लगता है कि बेसिकली वो एक लुक एंड फील देने के लिए स्ट्रीट मोड का। तो ये तो हो गई फोटोज़ की बात, अब मैं थोड़ा सा आपको वीडियो की चीज़ें बता दूँ जो आप ध्यान रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फ्रंट कैमरा से। अब आजकल 30,000 के नीचे जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, इवन कई फ़ोन्स 30,000 के ऊपर भी फ्रंट में सिर्फ 1080p दे रहे हैं। तो अगर आप वीडियो शूट करते हो स्पेशली फ्रंट कैमरा यूज़ करके, आज की डेट में 2024 में ऐसा फ़ोन बिल्कुल मत लेना जिसमें फ्रंट में 1080p मिलता है, बिकॉज अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो 1080p रेजोल्यूशन देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप उसको 4K से कंपेयर करोगे। तो हो सके तो चेक करना, फ्रंट में 4K होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा व्लॉग मोड है, वो एक सही चीज़ है कि फ़ोन्स में जब व्लॉग मोड होता है तो आप बेसिकली एक वीडियो के लिए मैनुअल मोड है, तो उसमें आप सेटिंग शटर स्पीड ISO चेंज कर सकते हो, बट एस्पेक्ट रेशियो 21:9 ही रहता है। तो अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, ट्राई करो एक ऐसा फ़ोन लो जिसमें आपको वीडियो में प्रो मोड मिले जहां पे आप एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ले सको, बिकॉज व्लॉग मोड में जो एस्पेक्ट रेशियो है 21:9 आता है। रेयर साइड में अगर मैं बात करूं, हर एक फोन आजकल 4K वीडियो देता ही है, स्पेशली जब आप 12-15,000 से ऊपर पे करते हो, जैसे अब ये फोन 9-10,000 का अगर आ रहा है तो उसमें आपको 1080p मिलेगा। अब बात रही 4K वीडियो की, तो अगर आप 4K में वीडियो शूट कर रहे हो, ये चेक करना जरूरी है कि क्या उस फोन में 4K में आपको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, बिकॉज कई फोन्स में आपको दिखेगा 4K 30-60fps मिल रहा है और उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। अगर ब्रांड OIS भी क्लेम कर रहा है तो वो मोस्टली फोन्स में 1080p तक होता है, 40,000 के ऊपर जाके आपको 4K में स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो वो आपको चेक करना है। दूसरी चीज़, 4K में अगर वीडियो शूट हो रही है, क्या वो सिर्फ 30fps तक है या 60fps भी है। नॉर्मली अगर आप 40,000 के ऊपर पे करते हो तो आपको 4K 60 मिल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है, अल्ट्रा वाइड एंगल में जब आप कैमरा स्विच करोगे तो नॉर्मली फ़ोन्स 30-35,000 से नीचे जो हैं वो 1080p में चले जाते हैं। तो अगर आप 30,000 से 40,000 पे कर रहे हो, आप ये चीज़ ध्यान देना कि क्या जब आप अल्ट्रा वाइड में जा रहे हो तो आपको 4K का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं,
अगर मिल रहा है देन इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं मिल रहा तो मे बी आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप 4K में अल्ट्रा वाइड वीडियो शूट करना चाहते हो। अदरवाइज वीडियो में आप दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले कि आप जब भी वीडियो शूट कर रहे हो, आप जब एक सैंपल ले रहे हो फ़ोन लेने से पहले, एक स्टोर में अपने फ्रेंड का चेक कर रहे हो, रिव्यूज़ भी देख रहे हो, जब एक सीन से दूसरी सीन पर फ़ोन मूव हो रहा है, एक्सपोजर कैसे एडजस्ट हो रहा है, क्या एकदम से ब्राइट डार्क हो रहा है वो सही नहीं रहता, फोकस कैसा है अगर आप वीडियो शूट करते हुए पास फोकस कर रहे हो, दूर फोकस कर रहे हो, उसका स्पीड और उसका टाइम कितना जा रहा है फोकस होने में वो ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट है डायनामिक रेंज, हाइलाइट्स और शैडोज का डिफरेंस, और यही एक पॉइंट है जो मैं आगे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक में बताऊंगा इस वीडियो में कि एक सस्ते फ़ोन और एक महंगे फ़ोन में डिफरेंस क्या आता है। तो रिसेंटली मैंने इस चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने एक 40,000 के फ़ोन को एक 1,40,000 के फ़ोन से कंपेयर करा था कैमरा को। रिजल्ट्स आपने भी देखे होंगे, आप में से कई लोगों ने अपने व्यूज़ भी शेयर किए होंगे, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप देखते हो कि भाई हर किसी के माइंड में आता है कि एक 30-40 हज़ार के फ़ोन में और एक 1.5 लाख के फ़ोन में कैमरा में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको चार मेजर डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहला है डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज क्या होता है, जब आप एक ऐसी फोटो ले रहे हो जहाँ शेडो भी है, हाइलाइट्स भी हैं, ब्राइट पार्ट्स भी हैं, डार्क पार्ट्स भी हैं, जब आप वो फोटो लेते हो ना, एक बजट फ़ोन, बजट तो मैं नहीं बोलूँगा 40,000 बहुत होते हैं, बट अगर आप उस 30-40 हज़ार के फ़ोन से जब आप फोटो लेते हो तो कई बार हाइलाइट थोड़ी सी ब्राइट हो जाती हैं, शेडोज थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि उस रेंज में जो लोग फ़ोन लेना पसंद करते हैं वो ऐसा होता है कि फ़ोटो खींची और सोशल मीडिया पे डाला। बट जब आप 1-1.5 लाख के फ़ोन में जाते हो ना, वहाँ पे क्या होता है कि एक तो कंट्रास्ट थोड़ा लो रहता है, देखने में फ़ोटोज़ बढ़िया लगती हैं, एकदम हाई कॉन्ट्रास्ट वाला फील नहीं होता, प्लस शेडोज़ में भी डिटेल अच्छे से दिखती हैं, हाईलाइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल करता है फ़ोन, तो वो मेजर डिफरेंस आता है प्रोसेसिंग में। इमेज क्वालिटी में अगर आप देखोगे साइड बाय साइड, इतना मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज आजकल 30-40 हज़ार के फ़ोन भी बढ़िया डिटेल कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लो लाइट में, जब लाइट कम होती है, अंधेरा होता है, उतनी अवेलेबल लाइट नहीं है, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होगा कि एक बजट फ़ोन जो है, जो थोड़ा सस्ता फ़ोन है, उसमें नॉइस ईजिली देखने को मिलेगा, और स्पेशली जो कलर्स हैं वो उतने बढ़िया निकल के नहीं आते, और हाईलाइट जो हैं वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज या ब्राइट हो जाती हैं। एक 1-1.5 लाख के फ़ोन में क्या होगा, जो हाईलाइट्स हैं, जो डायनामिक रेंज है वो ज़्यादा बढ़िया आएगी, ट्रू कलर्स कैप्चर होंगे, और जो एकदम ब्राइट एरियाज हैं उसको भी वो ट्राई करेगा अच्छे से, उसमें इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सके। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी क्या होती है, मान लेते हैं आप अलग अलग सिचुएशन में फोटोज़ ले रहे हो, कहीं जगह लाइट ज़्यादा हुई तो सैचुरेशन कम हो जाएगी, लाइट सही है तो सैचुरेशन अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ नॉर्मली एक एवरेज बजट फोन्स में रहता है। जब आप हाई एंड फोन्स में जाते हो वहाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, जैसी भी लाइटिंग हो, जैसी भी सिचुएशन हो, कलर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है। और जो लास्ट डिफरेंस है वो आपको वीडियो में मेजरली खास देखने को मिलेगा, वीडियो में बहुत मेजर डिफरेंस आता है। एक 30-40 हज़ार के फ़ोन में क्या रहेगा, देखने में वीडियो सही लगेगी बट कलर्स कई बार बहुत बूस्ट हो जाएंगे, अगर सीन चेंज हो रहा है तो एक्सपोजर एकदम से ब्राइट या डार्क होगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगी। बट अगर मैं हाई एंड फोन्स की बात करूँ, वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, ऐसा लगता है कि बहुत स्मूथली एक्सपोजर चेंज हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा, कलर्स नेचुरल आते हैं, लो लाइट में वीडियो परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। मैं ये तो नहीं बता सकता कि अंडर 30,000 बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है, अंडर 50,000 या अंडर 1 लाख, बट इससे आपको ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि जब आप नेक्स्ट फ़ोन ले रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको कैमरा में, फोटो वीडियो के लिए ध्यान रखनी है। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो। एंड मेरा मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि मोबाइल फोटोग्राफी में आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, डिटेल्ड कोर्स है 4-5 घंटे का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।